आपने अभी देखा है कि मैं मेरा जो वेट था वो डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप लोग दोस्त फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो होगी डाइट के ऊपर। आपने अभी देखा है कि मैं मेरा जो वेट था वो डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। मेरा 81 kg हो गया था और अभी जो करंटली जो मेरा वेट है वो 60 है। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने काफी कुछ डाइट से भी मैनेज करी हैं। मैंने कुछ ड्रिंक्स भी ट्राई किए हैं और ऑफकोर्स मुझे जो मेरी बॉडी है वो एक्सरसाइज से ज्यादा पतला, मतलब मैं महसूस करती हूँ कि एक्सरसाइज मेरे को ज्यादा सूट करती है बजाय कि मैं डाइट करूँ, तो उसका भी बहुत ज्यादा हाथ रहा है मेरे को वेट लूज करने में। तो वो सब चीजें मैं वो जो पूरी जर्नी है वो मैंने कैसे करी है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो कम्प्लीटली डाइट बेस्ड है क्योंकि मुझे ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि मैं अभी कैरा को फीड भी करा रही हूँ और मेरा पर्सनली मेरा मन है कि जब तक कैरा 20 या 24 मंथ्स की नहीं हो जाती तब तक मैं इसको अच्छे से फीड कराऊं। तो वो दोनों चीजें मुझे मैनेज करनी है कि मतलब मुझे पतला भी होना है, वेट भी लूज करना है और कियारा को फीड करा रही हूँ तो मिल्क प्रोडक्शन में भी कोई दिक्कत ना आए। और मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से फायदा लगा है वो मैं बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो मेरी सुबह कुछ 7 बजे करीब शुरू होती है और क्योंकि मुझे थायराइड है तो मैं थायराइड की दवाई यहाँ पर ले रही हूँ और इसके साथ मैं एक ग्लास पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पूरा लेती हूँ। इसके बाद नंबर आता है मेरा जो मैंने रात में फ्लैक्सीड भिगो करके रख दिए थे एक कप में, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी माइक्रोवेव में और इसको मैं लेने पीने वाली हूँ। इसमें मैं पहले लेमन जूस ऐड करती थी लेकिन लेमन जूस मेरे गला बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था उसे लेते हुए, तो मैंने लेमन जूस अवॉइड कर दिया और मैं इसमें शहद ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो शहद भी ऐड कर सकते हैं पर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो ये लेना चाहिए अगर आप पतला होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में मैं एक पराठा लूँगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे इसमें, चटनी ऑप्शनल है कभी लेती हूँ कभी नहीं, और मिल्क एक कप मिल्क मुझे ज़रूर लेना ही लेना है। साथ ही मैं बता दूँ ये जो पराठा है कभी इसमें मैं घी मतलब ऑयल है कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती, लेकिन फिलिंग हमेशा रहता है, यानी कभी आलू का होगा कभी गोभी का होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पराठे ही बना रही हूँ, रोटी भी चल जाती है मुझे। और अभी बात करेंगे हम दोपहर के लंच की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चपाती मैंने ली है, कुकुम्बर है, दही है, दही मैं ज़रूर लेती हूँ या फिर मट्ठा होगा इसके प्लेस पर लेकिन ये ज़रूर होता है, और लौकी की सब्जी है जिसमें मैंने घी का तड़का भी लगा रखा है। तो देखिए घी लगाना मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ कियारा को और घी बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ ही मैं डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लेती हूँ जैसे कि दही या फिर मट्ठा होगा वो ज़रूर होता है, और बस इतना ही लंच मैं करती हूँ, केवल एक चपाती लूँगी। पहले मैं यहाँ पे 2 चपाती लिया करती थी लेकिन अब मैंने 1 चपाती कर दी है। मैं इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी फीड करा रही हूँ कियारा को, तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। शाम की बात करें तो मैं एक फ्रूट ज़रूर लेती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कुछ खा लिया है इसमें से, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपको, तो एक एप्पल मैंने लेती हूँ या फिर बनाना होगा या फिर कोई स्मूदी होगी, कुछ ऐसा चीज़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है और मैं इस टाइम शाम के टाइम लेती हूँ। अब बात करते हैं मेरे डिनर के बारे में, तो डिनर यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल मैंने ली है और लौकी की सब्जी है, ये कटोरियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी कटोरियाँ नहीं हैं। मैं चपाती कुछ भी नहीं लूँगी यहाँ पे। मैंगो मैंने काटा हुआ है, अगर मैंगो नहीं होता यहाँ पे तो कुछ खीरा या टमाटर कुछ होता, तो कुछ इस तरीके से मेरा डिनर रहता है और शाम के 6:30 बजे तक मैं ये डिनर हर हालत में कर लेती हूँ, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बस यही डिनर है और ध्यान दें यहाँ पे मैंने कोई घी का चौका नहीं लगाया है। इसके बाद मुझे तकरीबन 8:30 बजे के करीब मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे मिल्क लेना मुझे अच्छा लगता है, और अभी तक मैं जैगरी स्टार्ट नहीं किया है, पता नहीं क्यों मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो बस शुगर लेती हूँ लेकिन बहुत ही कम इसमें डालती हूँ, आधी चम्मच से भी कम ही समझिए,
तो मैं फीका दूध पसंद करती हूँ लेना, 8:30 बजे तक दूध ले लेती हूँ, और रात को मैं कम से कम 10:30 या 11 बजे तक मैं सोती हूँ, तो उस टाइम मैं ये मेथी सीड का जो टी है ये बना करके मैं पीने वाली हूँ, और इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा है, ना केवल आपके वेट लॉस करने में बल्कि मुझे मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है इससे, तो ये रात को मैं लेना पसंद करती हूँ। आप यहाँ पर शहद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टी है थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट जम चुका है, मुझे अच्छा लगता है कड़वापन थोड़ा सा, तो मैं इसको आराम से पी लेती हूँ, और रात में ही मैं ध्यान रखूँगी कि मैं फ्लेक्सीड भिगो करके रख दूँ, ताकि अगले दिन सुबह मतलब कोई मुझे परेशानी ना हो और मुझे मिल जाए, और क्योंकि रात में भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखा, ये था मेरा पूरा एक डाइट प्लान जो मैं अपना करके चलती हूँ, जो मैं कोशिश करती हूँ दोनों चीज़ मैनेज हो जाए इसमें। जैसे कि आपने देखा कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैं घी भी लेती हूँ, डेरी प्रोडक्ट यानी कि दूध दोनों टाइम लेती हूँ, एक बीच में दोपहर में मट्ठा या दही जरूर होता है, पानी मैं बहुत सारा पीती हूँ जो कि मेरा वेट लूज करने में साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, साथ ही साथ अगर मैं वेट लूज कर रही हूँ तो उसमें मुझे किस चीज़ का फायदा लगा है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा लगा है कि मैं डिनर जो है ना उस शाम को 6 बजे कर लेती हूँ, और साथ ही साथ अभी 1 महीने पहले तो मैं एक चपाती खा रही थी, लेकिन जब से मैंने एक एक मतलब बिल्कुल चपाती बंद कर दी है और 6:30 बजे तक या 6 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगा है। साथ ही साथ जो सुबह का जो मेरा वो वाटर रहता है फ्लेक्सीड वाटर, उसकी बजाय अगर मैं चिया सीड वाटर अगर लूँ तो मुझे ज़्यादा फर्क उससे लगा, क्योंकि अभी मेरे पास चिया सीड नहीं है पर फ्लेक्सीड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्लेक्सीड ले रही हूँ। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा लगा, वो है रात में जो मैं मेथी सीड जो है फेनुग्रीक सीड जो है उसका जो टी मैं लेती हूँ, उसका तो बहुत ही ज़्यादा फर्क लगा है मुझे, ना केवल वेट लॉस करने में बल्कि वो तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीरियसली अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि मिल्क अच्छे से फीड नहीं करवा पा रहे हैं आप बेबी को, तो ट्राई करके देखें मेथी उबाल के और उसको टी की तरह से जैसे पीते हैं नॉर्मल, इसको जरूरी नहीं है रात में, आप दिन में भी किसी भी टाइम ले सकते हैं, उसका तो बहुत ज़्यादा फर्क लगा है मुझे। मैं क्या बताऊँ, मैं तो तारीफ करके इसकी थक गई हूँ, जो भी मुझसे पूछता है मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, तो इसका जरूर करके देखिए, क्योंकि इस चीज़ से मुझे दोनों चीज़ें मिल रही हैं, वेट भी लूज हो रहा है और जो मैं फीडिंग करा रही हूँ क्यारा को तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरी पूरी जर्नी कैसी रही है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, उनको फायदा मिलेगा, और जब आप फॉरवर्ड करते हैं दूसरों को ये वीडियो तो फायदा मुझे भी मिलता है। चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।